राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में आगामी 21 मई को किए जाएंगे RWA चुनाव, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने चुनावी दौर के लिए अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और प्रत्याशी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से अपने लिए जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इन दिनों रोहिणी सेक्टर 15 में यही चुनावी प्रक्रिया चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रोहिणी सेक्टर 15 के एफ ब्लॉक में इन दिनों RWA के चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर रविवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी गई है। रोहिणी सेक्टर 15 के F1 से F7 ब्लॉक में RWA के आम चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस चुनाव में हिस्सा ले रहे सन्नी वर्मा पैनल के तमाम प्रत्याशी उन लोगों के बीच अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, साथ ही अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी क्षेत्र में साफ सफाई, पार्कों के रखरखाव, इलाके में सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट की समस्या, एंट्री एवं एग्जिट, CCTV की समस्या, पार्किंग की समस्या जैसे विभिन्न मुद्दों पर निवासियों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 19 मई को यह चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रत्याशियों ने अब इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी यह तो आने वाली 21 मई के बाद ही साफ हो पाएगा। जी, मेरा नाम सन्नी वर्मा है, मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ और मुद्दे तो ऐसे हैं कि पब्लिक ने ही जो यहाँ के सब लोगों ने बताए हैं कि जैसे पार्किंग की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, सिक्योरिटी गार्ड की समस्या है, चोरी की समस्या है और सब मेन पार्किंग की। आजकल हर घर में एक एक दो दो गाड़ियां हैं लोगों के पास, बट पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है और वो गाड़ी की सेफ्टी भी नहीं है। लोगों की गाड़ी चोरी हो रही है, बैटरी चोरी हो रही है गाड़ी की, तो लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी समस्याएं इसको देखते हुए RWA के चुनाव हो रहे हैं। उन लोगों से इसलिए अलग हैं कि जो पहली पुरानी RWA है, सबसे पहली बात कि जो इतने सालों से वो थे, उन्होंने पुराना मेंबर एक भी खड़ा नहीं किया और उनकी भी पूरी टीम नहीं है और हमारी भी पूरी टीम नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और समाज के लिए जो बेहतर कर सकेंगे वो काम करेंगे हम। और ये पूरे पॉकेट ने F1 से F7 तक हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक हमें जो हमने ऑब्जर्व किया है, हमें लग रहा है कि हमारी टीम पहले से जीती हुई है। सिंगल एक गेट खुला रखवाएंगे और रेडी वालों का टाइमिंग बनाएंगे कि जिस टाइम पे आएँ। बाकी जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो हम बड़े स्केल पे करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे अभी तक नहीं हो रहे हैं। पहले हो रहे थे बट अब कोरोना के बाद से तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे, उसके लिए भी हमने अपने मेंबर बनाए हैं, तो जो कल्चरल प्रोग्राम को ही देखेंगे सिर्फ। हाँ जी, देखो, हर कोई नया मौका हर किसी को देता है, तो हम भी एक बार नया मौका ज़रूर देंगे। और क्योंकि देखो, ये कोई परमानेंट तो है नहीं, अगर ये लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम इन्हें बदल देंगे। बदलाव होना चाहिए, परंतु जो नए भी आते हैं उनके लिए भी है ना, संदेश ये है कि भाई काम करेंगे तो ही आगे कोई आदमी वोट देगा या आगे उनको प्रेफर करेगा। जी, मेन समस्या हमारे यहाँ पे ये है कि गेट्स का कोई नहीं है, हिसाब किताब है, और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं।